नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी दूसरे के व्हाट्सएप से अपने मैसेजेस कैसे डिलीट कर सकते हैं। जहां दोस्तों व्हाट्सएप में पहले ये फीचर नहीं था, लेकिन ये अब नया फीचर आ गया है और आप में से बहुत से लोग इस फीचर के बारे में जानते होंगे, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको अभी भी इस फीचर के बारे में नहीं पता। दोस्तों पहले हम किसी को गलती से कोई मैसेज भेज देते थे, यानी हो सकता था कई बार हम किसी और को मैसेज भेजते हैं और गलती से किसी और के पास चला जाता था, या हम कुछ और टाइप करना चाहते हैं कुछ और टाइप हो जाता था और गलती से वो मैसेज चला जाता था। तो हम ये सोचते थे अब इसे डिलीट कैसे करें और वो डिलीट नहीं होता था। लेकिन व्हाट्सएप ने अब जो नए जो इसमें फीचर डाल दिए हैं, इसमें आप उस मैसेज को डिलीट भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने गलती से किसी दूसरे को कोई मैसेज भेज दिया है, तो आप उसके व्हाट्सएप अकाउंट से अपने मैसेज को डिलीट कर सकते हैं। तो वो कैसे आप कर सकते हैं, वही मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और देखिए उसको करने के लिए, देखिए मैंने यहाँ पर दो ऐप इंस्टॉल कर रखे हैं, जिसमें से मैंने एक ऐप को यहाँ पर ओपन करा है और यहाँ से मैं एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन पर देखिए मैसेज भेजता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से देखिए मैसेज भेज रहा हूँ, अब देखते रहिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर चलिए एक तो ये स्माइली भेज दिया है और दूसरा मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये दो मैसेज लिखे, लेकिन मैं चाहता था कि सिर्फ एक ही मैसेज जाए और दूसरा मैसेज मुझसे गलती से चला गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये एक मैसेज डिलीट हो जाए, ये स्माइली वाला मैसेज डिलीट हो जाए दूसरे के फ़ोन से। तो अब इससे पहले हम देखते हैं कि वहाँ पर मैसेज पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे। ठीक है, तो अब हम दोबारा से देखिए उसी को ओपन कर लेता हूँ मैं अपने अकाउंट को। अब देखिए यहाँ पर हम यहाँ दूसरी ऐप को अपनी ओपन करेंगे, हमने यहाँ से मैसेज भेजे थे, यहाँ पर मैसेज गए होंगे दूसरी जगह पर। अब हम यहाँ पर इस ऐप को ओपन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन कर रहे हैं और मैंने एक ही फ़ोन के अंदर ये दो अकाउंट बना रखे हैं। आप इस तरह से दो से ज़्यादा भी अकाउंट बना सकते हैं, हमने पहले भी इस बारे में वीडियो बनाई थी। देखिए यहाँ पर मैसेज आ चुके हैं, ये देखिए यहाँ पर दो मैसेज आ चुके हैं, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर ये दो मैसेज यहाँ पर आ चुके हैं, तो ये तो मैंने फ़िलहाल पढ़ लिए हैं, लेकिन आप इसको जबी भी डिलीट कर सकते हैं जब आपने भेजे। अब मैं यहाँ से देखिए हमें स्माइली डिलीट करनी थी, तो मैं ऐसे आपको ये स्माइली डिलीट करके दिखाता हूँ कहाँ से। ये मैं दोबारा अब उसी अकाउंट पे जाता हूँ जहाँ से मैंने ये मैसेज भेजे थे यहाँ से। तो यहाँ पे मैंने इसको ओपन कर लिया है इस एप्लीकेशन को, और देखिए यहाँ पर जो है ये वाला मैसेज मुझको डिलीट करना है, तो इसके ऊपर हम टच करके रखेंगे और टच करके रखेंगे और उसके बाद ये डिलीट का जो ऑप्शन है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर तीन ऑप्शन आएंगे, एक होता है डिलीट फॉर मी, सिर्फ कि सिर्फ मेरे पास से डिलीट हो जाए, एक होता है कैंसिल करने के लिए, और तीसरा ऑप्शन जो है वो डिलीट फॉर एवरीवन, मानी कि डिलीट सभी से डिलीट हो जाए, मतलब मुझसे भी हो जाए और दूसरे के पास से भी डिलीट हो जाए। तो इसको मैंने क्लिक कर दिया, देखिए यहाँ से स्माइली जो है डिलीट हो गई है। अब हम आपको दूसरे अकाउंट पर भी चेक करके बताते हैं कि वहाँ से स्माइली डिलीट हुई है या नहीं हुई है। ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने दूसरी एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन कर ली है और हमने यहाँ पर स्माइली डिलीट करी थी, हम यहाँ से ओपन करते हैं। आपको यहाँ पर देखिए मैसेज दिख रहा होगा कि ये मैसेज जो है वो डिलीट हो गया है। तो देखा आपने, आप किसी के भी व्हाट्सएप पर से अपना मैसेज डिलीट कर सकते हैं अगर आपने गलती से कोई मैसेज भेज दिया है तो। तो आप में से बहुत से लोग तो इसको जानते भी होंगे, लेकिन बहुत से लोग इसे नहीं भी जानते, तो जो नहीं जानते वो भी आज से जान जाएंगे और इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों परिवार के साथ भी इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर सब्सक्राइब के लाल निशान पर टच करके और उसके बाद घंटी के निशान पर जरूर टच कीजिए, ताकि आपको हमारी बनाई हुई नई नई वीडियो लगातार मिलती रहे। ये बिल्कुल फ्री होता है और आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।